नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय बताने वाली हूं, ख़ास तौर पे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा एक्चुअली जो आ रही है वो आ रही है 20 नवंबर 2020 वाला दिन है, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाएगी 18 नवंबर 2020 से, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हो रही है। और ऐसे दिन पर मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। रोज़ मैं आपको एक अच्छा उपाय बताऊँगी जो कि हर कोई कर सकता है। देखिए, छठ पूजा बहुत ही उल्लास से और बहुत ही अच्छे से इसको मनाया जाता है, लेकिन जो आज मैं आपको उपाय बताऊँगी, भले ही आप छठ पूजा ना मनाते हो, भले ही आप छठ पूजा का व्रत ना करते हो, उसके बावजूद भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपको संतान से रिलेटेड कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि आपके संतान के ऊपर जो भी परेशानियां हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाए, दुख तकलीफ दूर हो जाए, तो ऐसे में माता अपने बच्चों के लिए भी ये व्रत कर सकती है। मैं हर रोज़ आपको एक नया उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही सात्विक होगा और बहुत ही असरदार भी होगा, तो इसको कोई भी कर सकता है, भले आप छठ पूजा करें ना करें, लेकिन इन उपायों को आप ज़रूर से कीजिएगा। देखिए, इससे परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही या कोई भी ऐसी परेशानी है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आपको कल ही से करनी होगी। और ये 4 दिन तक मैं आपको कंटिन्यू एक एक उपाय बताती चली जाऊँगी, तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि छठ पूजा आखिर क्या होती है। देखिए, जो छठ पूजा की शुरुआत हो रही है वो हो रही है 18 नवंबर 2020 से। तो जो पहला दिन होता है, ऐसा माना जाता है कि उसको बोलते हैं नाए खाए। नाए खाने खाए का मतलब होता है कि नहाकर अच्छे वस्त्र पहनने होते हैं, पूरा दिन ऐसे में व्रत रखा जाता है और शाम को शाकाहारी भोजन खाया जाता है। इस दिन जो सूर्योदय का समय होगा वो सुबह का 6:50 होगा और शाम का जो सूर्यास्त होगा वो 5:25 का होगा। दूसरा दिन जो होता है उसको कहते हैं खरना। खरना का मतलब ये है कि इस दिन पूरा दिन पूरी तरह से व्रत रखा जाएगा, शाम को भोजन में चावल, गुड़ और दूध की खीर बनाई जाएगी। तो इसी से सबसे पहले व्रत को तोड़ा जाता है और उसके बाद नॉर्मल खाना खा सकते हैं। उस दिन भी सूर्योदय का समय होगा 6:50 और सूर्यास्त का समय होगा 5:25। इस दिन खीर खास तौर पे बनाई जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है खरना। रही तीसरे दिन की बात, तीसरे दिन पे आ रही है छठ पूजा जो कि है 20 नवंबर 2020 को। छठ पूजा पे एक ख़ास तौर पे प्रसाद तैयार किया जाता है जो कि होते हैं चावल के लड्डू। एक्चुअली तो ये आरंभ हो रही है 19 नवंबर रात के 10 बजे से और ये 20 नवंबर को समाप्त होगी रात के 9:30। छठ पूजा वाले दिन प्रसाद और फल बांस की टोकरी में सजाते हैं। टोकरी की पूजा अच्छी तरीके से करते हैं, फिर तालाब, नदी, समुद्र या घाट किनारे जाके शाम को ही डूबते सूरज की पूजा करते हैं। छठ पूजा एक बहुत ही प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन पर मनाया जाता है। इसे सूर्य छठ भी कहा जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में बहुत ही अच्छे से इसको मनाया जाता है। देखिए, वैसे तो जो लोग होते हैं उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा ही एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूरज की आराधना से ही होती है। अब आपको जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भले आप छठ पूजा ना करते हो, उसके बावजूद भी ये हर कोई उपाय कर सकता है और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिन होते हैं। तो ऐसे दिन पे अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो उनका जो फल होता है, उनका जो रिज़ल्ट होता है, वो बहुत ही आपको फास्ट तरीके से मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला दिन जो आ रहा है वो आ रहा है 18 नवंबर 2020 को। तो इस दिन जो आपको उपाय करना है वो ये है कि आपको क्या करना है, सुबह सुबह 10 बजे से पहले सूर्य को आपको अर्घ देना है, यानी कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन जल आपको प्लेन नहीं चढ़ाना है, उसमें आपको एक लाल फूल डालना है। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं और उसमें आप डाल देंगे थोड़ा सा सिंदूर। एक आप ये तैयार करेंगे जो कि आपको सूर्य को जल देना है। अब जल चढ़ाते हुए आपको ये मन में मनोकामना करनी है कि जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा बहुत ही जल्द पूरी हो जाए। एक चीज़ का आपको और यहाँ पे पालन करना है, कोशिश करें कि देखिए, ये जो पहला उपाय मैंने आपको बताया ये आपको 4 दिन तक करना है कंटिन्यू, ठीक है, 18, 19, 20, 21। तो इसमें जो पहले दिन का आप टाइम
पे करेंगे सूर्य को जल चढ़ाने का, वही टाइम आपको बाकी के 3 दिन भी करना है। मान लो कि आज आपने 9:30 बजे सुबह सूर्य को जल चढ़ाया, तो बाकी के 3 दिन भी वो आपको 9:30 बजे ही जल चढ़ाना है। ये नहीं कि 5 मिनट भी आगे या पीछे हो जाए। तो वो टाइम का, वक्त का आपको पालन इसमें बहुत अच्छे से करना है। उसमें आप लाल फूल डालेंगे, उसमें आप सिंदूर थोड़ा सा डालेंगे। तो ये आपको करना है। सूर्य को जल चढ़ाते हुए आपको इच्छा बोलनी है और उसके साथ साथ आपको ओम सूर्या नमः, ओम सूर्या नमः, ओम सूर्या नमः, इस तरीके से मंत्र का आपको जाप करना है। हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए करना है। आप गिनती पर बिल्कुल ध्यान ना दें, केवल आप मंत्र पर ध्यान दें। बस जितनी बार आप वो मंत्र को बोल पाएँ उतना ही अच्छा होगा। और अगर आप चाहें तो नीचे गमला रख के भी इस जल को आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय जो आपको ये करना है कि आपको कांच की बोतल लेनी है या कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी भर के आपको सूर्य की रोशनी में रखना है। ये पूरे दिन में कभी भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस पानी को आप ज़रूर रखिएगा। ऊपर से आप ढक देंगे तो बेस्ट है। कांच की अगर प्लेट होगी तो बहुत ही अच्छा, या सिरेमिक की नहीं होगी तो मलमल का कपड़ा या कोई भी एक कॉटन के कपड़े पे इसको ढक दें, कपड़े से ढक दें और उसके बाद धागे से बांध दें ताकि वो कपड़ा उड़ ना जाए। इसको आप धूप में रख देंगे, आप चाहे तो अपनी खिड़की या बालकनी में भी इसको रख सकते हैं। और उसके बाद इस पानी को आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा पूरे घर के कोनों में आपको छिड़क देना है और ख़ास तौर पे बच्चों को ये पानी ज़रूर से आपको पिलाना है। आप खुद भी पी सकते हैं, परिवार के घर के जितने भी मेम्बर्स हैं उनको भी आप पिला सकते हैं, लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पर ये पानी आप ज़रूर पिलाएगा। लेकिन पिलाने से पहले आपको उसमें मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। और दूसरा आपको गायत्री मंत्र का जाप बोलना है। आप एक बार गायत्री मंत्र बोल सकते हैं और एक बार ओम सूर्या नमः भी जरूर से बोल दें ताकि ये पानी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। तो बस ये मंत्र जाप करना है और उसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस में जो भी इच्छा है वो आपको उसमें बोल देनी है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि घर में सब अब आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं। इस तरीके का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ये आपको बोलते हुए ये पानी आपको पिला देना है। चाहे तो आपके जो घर में कोई भी कंटेनर होगा या मटका होगा उसमें भी आप ये पानी को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा उपाय आपको करना है वो ये है कि कल जो ईस्ट की दिशा है वहाँ पे आप सिंदूर से स्वास्तिक ज़रूर से बना लीजिएगा। कोई भी पूर्व की दिशा में, कोई भी पूर्व की दीवार पे या दरवाज़े पे, अगर आपका वहाँ पे दरवाज़ा आ रहा है तो वहीं पे बना लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास स्टिकर है तो वो लगा दीजिए। अगर आप दीवार पे नहीं करना चाहते तो छोटा सा एक कागज़ ले लें, उस पे आप सिंदूर से स्वास्तिक बना लें और उसके बाद इसको पूर्व की दिशा पर लगा दीजिए। ये 4 दिन तक कंटिन्यू ये स्वास्तिक वहीं पर रहना चाहिए। बाद में 4 दिन के बाद आप इस स्वास्तिक को निकाल सकते हैं, आप साफ़ कर सकते हैं। अगर कागज़ पे है तो उसको निकाल सकते हैं और या तो आप पानी में इसको जाके विसर्जन कर सकते हैं या कहीं पे भी मिट्टी में आप जाके दबा के आ सकते हैं, लेकिन 4 दिन होने के बाद ही आपको उसको निकालना होगा, यानी कि 5वें दिन आप उसको निकालेंगे। तो अब जो आपको मैंने उपाय बताएं ये आप ज़रूर से कीजिएगा और एक बार ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। देखिए बहुत ही जल्द इसके फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपके काम होने लग गए हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल बटन भी ज़रूर से प्रेस कर ले। मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।